मैं किसी और अपने साथी के काम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और मंत्रालयों में क्या हो रहा है ये वहाँ के जो मंत्री जो मंत्रालय का है वही मुखिया होता है। और मैंने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा और ये चर्चा भी हुई थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर जो लोग पार्टी के चुनाव जीत के मंत्री हम लोगों ने बनाए हैं, मंत्री बन के काम कर रहे हैं, अगर कोई वो वाजिब बात उठा रहे हैं और उसका कोई स्पष्ट समाधान निकल कर नहीं आ रहा, तो ये चिंता का विषय है। इस पर गौर करनी पड़ेगी। और अगर कोई नैतिकता की बात है, कानूनी बात है, और अगर कोई स्पष्ट तरीके से बात रखी गई है और फिर भी डिपार्टमेंट के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसका तो कोई ना कोई इसमें स्टैंड सरकार को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उसको पूरी निष्ठा से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। कोई अंडू इंटरफेयर करे और प्रमाण निकले तो गलत है, लेकिन बिना वजह अगर आरोप लगाकर एक तरह की खबर बनाई जाए तो मैं समझता हूँ ये भी गलत है। और अगर कहीं ऐसा कोई प्रकरण है, किसी पर सबूत है, अगर कहीं किसी को आपत्ति है, किसी ने कंप्लेन करी, तो संज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना, कह देना है, बड़ा आसान होता है। और फिर भी अगर कोई प्रदेश में, जिले में कोई व्यक्ति हो, नौजवान हो, अगर कोई आदमी बात रखना चाहे या कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, सुझाव देना चाहे या सामाजिक तौर पर कुछ कार्रवाई करना चाहे, तो अलग अलग मापदंड क्यों है भाई? कल को मैं भी नेता, आप भी नेता, आपका बेटा करे तो ठीक है, मेरा करे तो गलत है, सब नहीं होना। तो मुझे लगता है कि सीमित दायरे में रहकर सब अपना योगदान देते हैं और परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। लेकिन मनगढ़ अगर आरोप कोई लगा दे तो स्वाभाविक रूप से ठेस तो पहुंचती है। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है।